नमस्कार दोस्तों, अपना जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक चल रहा है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अपन पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपन ने पढ़ लिया था। अब इसका जो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बचा है, इंडेफिनिट का लगभग एक साथ कर लें, लेकिन उसका थोड़ा ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया, तो मैं तो सोचता हूँ 3-4 मिनट का जो भी वीडियो बने इसको अलग ही डाल दूं। अब इसमें बात अगर देखो पास्ट इंडेफिनिट की अगर अपन बात करते हैं एडवर्ब की, तो दोस्तों इसमें देखो वंस पहले वंस दे रखा है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं भाई गोल के पिलाने वाली, लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं कि वंस वंस का अर्थ देखो, अर्थ क्या होता है इसका, एक बार। एक बार मतलब पुराने समय की बात की जा रही है, किसी टाइम को जो इंसिडेंट आपके साथ हो चुकी है उस इंसिडेंट को याद करते हुए, उसको अपने मन में याद करते हुए आप उस चीज के बारे में बता दे कि एक बार वो चीज हुई थी, तो इसका मतलब वो पास्ट में। ऐसे याद रखना है, सम टाइम तो आपने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसके बाद अगर सम टाइम बैक यूज किया जाता है, मतलब कुछ समय मतलब पहले वो करता था, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। और अगर वहां पर अगो दिया गया हो, अगो का तो पहले अपन अर्थ जानते हैं कि अगो का अर्थ क्या होता है, पहले, तो पहले मतलब पास्ट टाइम में, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे अगो का। इसके बाद है यस्टरडे। यस्टरडे अगर वहां पर दिया गया होता है दोस्तों, तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, अपन खुद ही इसका अर्थ जानते हैं, तो यस्टरडे अगर दिया गया है वहां पर, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर अपन को ये याद रखना है कि लास्ट वर्ड दिया गया हो, लास्ट के साथ डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर, इस प्रकार के अगर यहाँ पर सब दे रखे हैं, तो उसके लिए भी अपन यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर दो सेंटेंस वहां पर दे रखे हैं, इसका यूज किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में भी, ये चीज वहां पर आएगी और इसको बताया जाएगा कि वहां पर दो सेंटेंस दे रखे हैं, तो उसमें एक सेंटेंस में अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर ये भी पूछा जाता है। अब ये तो हो गया अपना पास्ट इंडेफिनिट, इसको याद रखना है। एक बार और रिवाइज कर रहा हूं मैं कि वंस मतलब एक बार, सम टाइम बैक जानते हैं, अगो यस्टरडे, लास्ट के साथ कोई सा भी वर्ड दिया गया हो, दो सेंटेंस दिए गए हो जिसमें एक में तो पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया हो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरे में कौन सी आएगी, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो फ्यूचर टेंस की अगर अपन बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें है कि वहां पर अगर टुमारो दे रखा है दोस्तों, टुमारो का अपन अर्थ के आधार पर पता लगा सकते हैं कि टुमारो मतलब कल, कल मतलब भविष्य, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, फ्यूचर का। इन ए फ्यू डेज अगर वहां पर दे रखा है मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों का अर्थ क्या होगा कि जो भी काम आप, जो भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं, वो कुछ ही आने वाले दिनों में आप करेंगे, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट आप जानते ही, इसी पहले वाले वीडियो में मैंने हेल्पिंग और वे सब बता दी, मतलब विल सेल। इसके बाद अगर वहां पर दे रखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ डे, वीक, मंथ और ईयर, दोस्तों नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दे रखा है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फिर एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, अगर वहां पर नेक्स्ट वर्ड भी दिया गया है, बट इफ इट इज अ प्री प्लान्ड एक्शन विच हैज बीन मेड प्रीवियसली बाय यू, व्हाई, बिकॉज इट विल बी डन इन ए, इट मीन्स एट ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये किसी निश्चित समय पर किया जाएगा, तो आपने पहले से वो चीज फिक्स कर ली है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो आप दोस्तों ये ध्यान रखना है, और ये हो गया। अब मैं तीनों कंटिन्यूस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों को एक साथ डालूंगा। अगर थोड़ी आवाज की अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो आप थोड़ा ईयरफोन का यूज कर लीजिए। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।